नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। छपरा में शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश ने कहा कि जो शराब पिएगा वह मरेगा, जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है और बीजेपी ने सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम नीतीश ने दिया विवादित बयान। नीतीश बोले जो पिएगा वो मरेगा ही। सीएम नीतीश के इस्तीफे की उठी मांग। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आए दिन जहरीली देशी जहरीली शराब से हो रही मौतों से नीतीश कुमार सवालों के घेरे में आ चुकी है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है और नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग हो रही है। दरअसल बिहार के छपरा जिले के मशरक, इश्वापुर, आमनौर और मढौरा प्रखंड के अलग अलग जगहों पर जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोहराम मचा हुआ है। तो इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद सूबे में जहरीली शराब का कहर नहीं थम रहा है। 6 साल में अब तक 202 लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो चुकी है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, तो वही इस पर बिहार सरकार में मंत्री समीर कुमार महासेठ का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनके बयान पर भी काफी बवाल मच रहा है। उन्होंने कहा खेल कूद से पावर बढ़ाओ, जहरीली शराब बर्दाश्त कर लोगे। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। लेकिन हम इतना आग्रह आप लोग से करेंगे कि अगर लोग पीना ही छोड़ दें तो सबसे बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जहर ही आ रहा है, कोई एक नंबर का दारू नहीं आ रहा है बिहार में, सब गलत लोग दे रहे हैं। तो उस पर जितना भी हम बात करेंगे, बिहार के लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमारा ये कहना है स्लो पॉइजनिंग ऑफ द पीपल। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे, लेकिन इन चीजों को त्याग करें, क्योंकि प्रोविजन है, मिल नहीं रहा है, गलत ढंग से लोग बिहार में खेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन चीजों से बचने की आवश्यकता है, केवल जहर परोसा जा रहा है बिहार में। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है। बीजेपी ने कहा कि छपरा में जहरीली शराब पिलाकर दलितों को मारा गया है, करीब 100 लोग मरे हैं, लेकिन सरकार मृतकों की संख्या कम करके बता रही है, असली आंकड़ा छुपा रही है। तो वही अगर हम जहरीली शराब से हुई मौतों के बारे में बात करें तो बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से सबसे ज्यादा 2021 में 90 मौतें हुई थी। राज्य में 2020 में, 2019 में 9, 2018 में 9, 2017 में 8 और 2016 में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2022 में अब तक 67 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मारे गए हैं। अधिकांश मौतें गोपालगंज, छपरा, बेतिया और मुजफ्फरपुर जिले में हुई है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फैल गई है। छपरा जहरीली शराब कांड पर बीजेपी नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। शराबबंदी वाले बिहार में छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि सरकार शराब माफियों को संरक्षण दे रही है। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से छपरा में ये घटना हुई है। बीजेपी ने मृतक के परिजनों को मुआवजा और न्याय दिलवाने की ठानी है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रशासन के लोग मृतक के परिजनों को धमका रहे हैं कि ये मत कहो कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, वरना मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मृतक के परिजनों पर अत्याचार किया जा रहा है।
खैर देखने वाली बात ये होगी कि मृतक के परिजनों को कब तक न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।